हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अभी आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू स्टार गेमर्स चैनल। तो दोस्तों, आज हम फिर से खेलने वाले हैं यूरो ट्रक सिमुलेटर 2। भाई कई महीने से खेली नहीं है और आज हमें छोड़नी है भी ये दो गाड़ियां जो है ब्रेको वैन। तो ये है दो गाड़ी, नीली और सफ़ेद। और भाई ट्रक आज हमें मिला है डाफका, तो डाफका ट्रक मिला है और चलाते हैं इसको, करते हैं स्टार्ट ये। और भाई इसको निकालना है और वो खड़ा है टोपी मास्टर सामने। अभी कहाँ से निकालनी है? तो ये अभी अपना ट्रक देख लेते हैं एक बार इसको जरा अंदर से। तो भाई इसमें बिस्तर बिस्तर लगा हुआ है बहुत बढ़िया सा, और देखो नीचे XF लिखा हुआ है। और अंदर देखो इसके तो भाई GPS भी ऑन है। तो निकालते हैं इसको, बहुत ही शानदार है ये। देखो पानी का टैंक खड़ा। अबे ये तो मेरा भाई, जो मैं FS20 में मैंने नया लिया है, ये यहाँ पर कैसे आ गया? तो चलो कोई बात नहीं, हो सकता है किसी के और के पास भी तो होगा। अब जरूरी थोड़ी है भाई एक चीज़ एक बंदे के पास ही हो। तो निकालते हैं इसको, अंदर से चलाते हैं यार, बाहर से मज़ा नहीं आता भाई। तो इनको पहुंचाना है और रास्ते में समुद्र आएगा तो इसके अंदर भाई समुद्र के अंदर से निकालनी है गाड़ियाँ। तो मतलब फेरी के अंदर जाना है ये। तो भाई बड़े दिन हो गए यार। ओहो क्या मस्त जगह है भाई। तो मैं एक नई जगह पे आया था, पिछली बार आपने वीडियो देखा होगा, तो मुझे लगता है वहाँ पर आया हूँ मैं, जहाँ पर एक टोपी मास्टर था। चल भाई इंडिकेटर बंद हो जा कुछ कुछ। चलो भाई निकालते हैं इसको। और GPS इसमें है वैसे तो, मेरे पास ये भी है ऊपर लगा हुआ है सिस्टम, तो इसमें GPS और वगैरह सब आता है भाई बढ़िया। तो इससे पता लग जाता है हमें कि किधर को जाना है, कितने किलोमीटर है। और हमें जाना है भाई आज टोटल 796 किलोमीटर, लेकिन उसमें से थोड़ा सा जो समुद्री जहाज़ का रास्ता भाई वो हमें नहीं काट, वो नहीं आएगा इसके अंदर। तो हमें टोटल 400-500 किलोमीटर जाना है, देखते हैं कितना होगा। और जी है भाई ब्रेको वैन, तो वैन है सिर्फ, इसके पीछे भी बॉडी नहीं लगी, तो मुझे लगता है इसके पीछे बॉडी बनाएंगे अभी। तो इसको लेके तो तीन है भाई। अच्छा अच्छा, पीछे वाली तो मैंने देखी नहीं थी भाई, एक पीछे को भी, उसका मुंह पीछे की तरफ है। तो तीन है, एक नीली दो सफ़ेद, क्या बात है भाई। मैं भी सोची है दो फिट और रखी है। और ट्रेलर देखो यार कितना शानदार है, मतलब एक नीचे लो बेड ट्रेलर है और ऊपर है दूसरा। चल भाई हटो 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 हटो, लाइट होगी अपनी, इंडिकेटर लगाओ, हटो हट भाई। ये इसमें ये नहीं समझ आते लोग सीधे सीधे क्यों आते हैं, हट जा गाड़ी को अचमत करियो भाई। मेरी वैन को बिल्कुल भी रगड़ पड़ गई तो कंपनी वाले भाई पैसे काट लेंगे मेरे। और अभी स्टेयरिंग व्हील नहीं लिया है मैंने, देखता हूँ अभी थोड़े दिन बाद सोच रहा हूँ कि ले लूँगा, जवान फिसल गई थी यार थोड़ी। बस बस बस, अबे कौन घंटी भी आ जा रहा भाई सुबह सुबह। चल भाई चल चल, सफ़ेद गाड़ी निकल। टिक 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 टिक, यार कितना अच्छा लगता है ये म्यूज़िक। बंद हो जा यार, बंद हो जा, क्या खाक बंद होगा भाई तू। और हम निकल रहे भाई छोटी सी कॉलोनी के अंदर से, बहुत ही प्यारी, और पीछे बिल्डिंग फ्लैट बने हुए देखो, और ये घास के ऊपर कोई चढ़ रहा भाई तू। इधर ओए खम्बे में मार रहा तू, ओए रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भाई। कॉलोनी के ये क्या हुआ, वो किसने ठोका मेरी गाड़ी को, किसी ने ठोका। ये अब भाई नई अपडेट आ चुकी है और इसके अंदर ग्राफिक बहुत ही ज़बरदस्त आ गई हैं। और इसके अंदर अब DLC बताती है कि हम कौन सी DLC, मतलब कौन से एरिए में जा रहे हैं। अब जैसे फ्रांस में जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, तो ये उसका नाम लिखा आता है। तो ये है 1.43, और यहाँ पे रोकना है भाई, हमें जाना है इधर को, यहाँ लगाते हैं ब्रेक। और यहाँ पे लिखा है भाई विल्नियस और कलीफुड़िया, खलाफुड़िया, पता नहीं क्या लिखा है भाई, कौन सी भाषा, पढ़ लो भाई, जिसको पढ़ना आता है खुद ही पढ़ लो, मुझे तो ऐसी पढ़नी आती है। निकालते हैं यहाँ से बढ़िया सा कटिंग करके। ये भाई क्या मक्खन रोड है यार, अभी तो परौंठे आए नहीं और मक्खन पहले आ गया, बहुत ही बढ़िया जगह यार, देखो स्वर्ग है भाई स्वर्ग, देख रहे हो, कोई मिट्टी नहीं है भाई कुछ नहीं। और ये कौन, सलमान खान की फ़ोटो बनी हुई है। हेलो कैसा है भाई, चश्मा लगा रखा है, अब ये तो अंधा है शायद, चश्मे की मशहूरी कर रहा है अंधा बंदा। और भाई कोई मोड नहीं लगा रखा, नो पुलिस मोड नहीं है, कोई मोड नहीं है, तो हो सकता है कि अपना चलान वलान कट जाए या फिर ठुक गया तो भाई पैसे कटेंगे। तो पहले तो मैं मोड के साथ खेलता था, लेकिन अब भाई मैंने नो मोड चैलेंज कर लिया, तो कोई भी मोड नहीं लगा रखा। और ये गाड़ी वाला क्यों मर रहा है, निकल बे निकल, ओह अब ट्रक के आजू बाजू भी रहने का नहीं है, लग गई तो फिर रोता फिरेगा। देखूँ भाई जरा पीछे, अरे यार एक तो मैं भूल गया इसकी सेटिंग है, एक मिनट जरा, हाँ पीछे देख लो यार भाई, इतने दिन बाद खेलोगे तो बटन याद नहीं रहते, भूल जाता बंदा। तो काटते हैं इसको अभी तो हल्लू हल्लू से इधर से,
कसम से ऐसे रोड देख के तो भाई मजा सा आया था जिंदगी का, स्वाद ही आया था भाई, स्वाद आ जाता। और सुबह सुबह का टाइम है और पहुंच जाएंगे शाम तक, तो मैंने सुबह की जॉब ली है यार, रात की लेता हूँ, अंधेरा अंधेरा होता है, समझ नहीं आता ना मेरे को ना आपको। पीछे गाड़ी आ रही भाई, इंडिकेटर लगा के मुड़ जाएंगे। अबे एक तो इंडिकेटर, अबे यार ये क्या चल गया, अबे भाई बंद, अबे यार रुको रुको, अबे रुको भाई रुको, वो बंद हो जाओ भाई, तुम्हें मेरी कसम बंद हो जाओ, अभी बारिश नहीं आ रही भाई, ये शीशे पे स्क्रैच डाल देंगे और जिसका ट्रक है रोएगा, कहेगा मेरा शीशा ख़राब कर दिया, पैसे निकाल, इतने तो कमाने नहीं है भाई जितने का शीशा लग जाएगा। तो बाहर के भाई ये कायदे कानून बहुत ही तगड़े होते हैं, ड्राइवर का सोना भी पड़ता है इसमें, ये नहीं है कि भाई ट्रक चलाया जा रहा है चलाया जा रहा है, इसमें बहुत ही पाबंदियाँ होती हैं। और भगाते हैं भाई इसको, अब देखते हैं मैं कितने पे भगा सकता हूँ इसको, और जो एक दो चलान हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई टेंशन नहीं है। तो अब जा रहे भाई 90 की स्पीड पे फुल फ्लैंज, अभी लेते हैं नज़ारा बहुत ही प्यारा प्यारा थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी रोड भाई सीधा नहीं आ रहा, अब आया रोड से, ये भाई इसको हटा देंगे नहीं तो फुल नज़ारा नहीं आएगा, ये भाई नज़ारे के चक्कर में आगे ट्रक आ जाएगा। और यहाँ पे आई भाई छोटी सी नदी, बहुत ही प्यारी सी थी, तो कच्चा मिनट में लाया नहीं था, मैं नहा लेता। ओ भाई मेरे भाई मेरे, एक मिनट यार कहाँ जाना, इधर ही जाना शुक्र है। ओ इकड़ से नज़र नहीं आ रहा तेरे को, ट्रक आ रहा है और साइड में निकल रहा है, बट्टा रॉड निकाल के पीट दूंगा तेरे को। तो ड्राइवर के पास रॉड होती है हमेशा, कोई लड़ाई हो जाए फटाफट निकाल लेते हैं लड़ाई झगड़ा। तो भाई ड्राइवर भाई तो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लेकिन लोग इतने अड़ेल होते हैं ना, गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं बीच में और भाई चलने नहीं देते, इसलिए फिर ड्राइवर भाइयों को गुस्सा आ जाता है। जब गुस्सा आया था ड्राइवर भाइयों की खोपड़ी पहली भनकी होती है, क्योंकि मालिक पैसा नहीं देते तो भाई फोड़ देते पकड़ के, तो कहीं का गुस्सा कहीं पर निकल जाता है। और देखो यार क्या शानदार पुल आ गया हमारे आगे, और उसके ऊपर ट्रक चढ़ जा रहा है, मर रहा है बेचारा, चढ़ा नहीं जा रहा उससे, देखो चढ़ गया भाई, चढ़ गया, भाग गया भाई भाग गया, वो तेल का टैंक लेके जा रहा भाई, लगता कहीं पर आग लग गई है, वहाँ पर तेल डालना होगा ताकि वह बुझ जाए, तेल डालने से आग बुझती है, भड़कती है भाई, भड़कती है, तो कहीं वो डालना होगा, चलो जहाँ पर ख़त्म हो गया। वो ऐथे की हो गया, वो तैनू की हो गया, अच्छा अच्छा भाई, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, देखो कितना अच्छा बंदा है। और इंडिया के अंदर भाई अभी तक तो वो बंदा घुस के और कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। और भाई इस टाइम स्पीड ज़रा देखते हैं, इसको ऑन करके इसको हटा देते हैं भाई, GPS अपना लगाइए, वो अंदर टेंशन की बात नहीं है, 111 पे भाग रहा हूँ, और गाड़ी वाले को देखो पकड़ने वाला हूँ मैं, अब रुक जा बेटा रुक जा, आगे मैं डैफ का ट्रक लेके देख, ये भाई क्या स्पीड हो रही है, 118 की ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया मज़ा आ रहा है। बाहर खेत आ गया, अभी देखो सरसों का साग लगा हुआ है सीधे हाथ पे, देखो देखा साग लगा हुआ, किसी को चाहिए मक्की की रोटी के साथ खाना है तो मैं ले आता हूँ तोड़ के, बोलो कितना चाहिए, 2 किलो 5 किलो, इसको निकालते हैं। अबे कहाँ जा रहा है, SLRS पता नहीं कौन सा नाम लिख रखा, इतना लंबा नाम लिखा भाई, मुझसे पढ़ा भी नहीं गया क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा थी। और भाई हम जा रहे हैं 123 की स्पीड पे, और लेते हैं 23 स्पीड पर नज़ारा जो कि आएगा बहुत ही प्यारा प्यारा, ये ट्रक अपना जा रहा भाई, आगे बोर्ड भी आ रहा, तो इसको हम जरा साइड में कर लेंगे, ये अबे ट्रैक्टर ले, वो भाई रोलर लेके जा रहा है, रोलर नहीं लोडर लेके जा रहा, लोडर भाई एक मिनट देखता हूँ पीछे कुछ नहीं है, चलो साइड में करते हैं, इधर करते हैं भाई, इस तरफ चलाने से चलान कट जाता है, क्योंकि जो ड्राइवर भाई हैं अपने उनको गरीबों की कैटेगरी में रखा है इन्होंने, और देख इस गाड़ी वाले को देख, बेवकूफ़ का भी मरता, पुलिस वाले को देख रहा खड़ा हो गया, बेटा वहीं खड़ा होकर देख लेना। तो मैं कह रहा था कि ड्राइवर भाइयों को हमेशा इस लाइन में रखते हैं साइड वाली में, हालांकि ट्रक इतने महंगे महंगे होते हैं अरबों रुपए के, और गाड़ियां होती हैं छोटी छोटी, लेकिन भाई हमें साइड की लाइन मिलती है, और गाड़ी वाले देखो मौज से भागते हैं, साले 2-2 लाख की गाड़ी लेके सोचते हैं पता नहीं कितने करोड़पति हो गए, और हमें देखो इतना महंगा ट्रक लेके, हमारे कोई भी जरा सा भी घमंड नहीं होता, लेकिन इनको कौन समझाए बेवकूफ़ों को। चलो कोई बात नहीं, इस लाल गाड़ी को भगाते हैं, इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, देखता हूँ ये पकड़ में नहीं आ रहा भाई, बहुत ही तेज़ भागे जा रहा है। और टाइम कितना हो रहा है भाई, तो मंगलवार भाई देखो, आज वैसे भी मंगलवार है जय बजरंग बली की, और आज गेम के अंदर भी मंगलवार है, बाप भाई ये कभी कभी होता है इत्तेफाक। और भाई सुबह के 9 बज रहे हैं यहाँ पर गेम के अंदर, और मेरे पास बज रहे हैं 10 सुबह के, तो 1 घंटे का फर्क है, लेकिन मंगलवार है तो मंगलवार ही है, जय बजरंग बली तोड़ इस लाल गाड़ी वाली की नली। तो भाई लेके भगाना है इसको, 131 भाई 132, इस गाड़ी वाले को टक्कर मार सकता हूँ मैं, देखूँ जा रहा है भाई पहुँचने वाला उसके पास, ये हट जा सरदार जी आगे पीछे से ठोक देंगे, देख ले, मुझे समझ नहीं आ रही तू भाई ट्रक की लाइन में क्यों चला रहा है। तो भाई ये नहीं हट रहा, देखो
वो देखो एक और आगे आगे। ओ भाई अब क्या करूँ मैं, देखो गाड़ी को ठुक गई। उस बेवकूफ़ ने मेरे पैसे ठुकवा दिए लाल गाड़ी वाले ने। तो भाई कंबाइन खड़ी देखो पीछे, ओह जॉन डियर की, ओ जॉन डियर की कंबाइन FS-22 वाली भाई, क्या शानदार थी। हट जाओ अब नहीं रुकने वाला है सरदार, अब नहीं रुकूंगा भाई मैं, आगे छोड़ूंगा इसको। 125 की स्पीड करवा दी कम वक्तों ने, पहले 132 की थी, 128। हट जाओ हटो भाई हटो। ओ हरी गाड़ी हट भाई, यो ना हटे भाई, साइड से निकाल लो। ओ शुक्र है पैसे नहीं लगे। ओ भाई मुड़ना था रुक जाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी, कौन आ रहा है पीछे, हट रहे। अरे यार तो दिमाग का दही कर दिया। अब मुझे एक मिनट तो मुझे रुक जाओ यार, एक मिनट रूट देखना पड़ेगा। अगर मैं आगे से आऊँगा तो भाई नुकसान हो जाएगा, बस वापस करना पड़ेगा यहीं से। एक मिनट यार बैक करता यार, गाड़ियों को देखो तो रूट GPS समझ नहीं आता। चलो हटा यार इसको भाई, थोड़ा सा पीछे लेके जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ले चलेंगे आराम आराम से। देख इसको देखो बैक किधर ले के आ रहा भाई, क्यों डरा रहा मेरे को भाई, ट्रक को भी देख लो, सही जा रहा। चल निकाल काट इधर को, बस सीधा कर। अरे भाई रुक जा एक मिनट यार, भाई इसकी कटिंग ट्रक की बहुत ही खतरनाक है, जरा सा भी इधर को करो तो गड़बड़ हो जाती। चल आगे बस यार, इस कट पर वहाँ पुलिस क्यों खड़ी है, वो पुलिस मेरा स्वागत करने के लिए खड़ी हुई है भाई, पुलिस तो मुझे नहीं पकड़ेगी तो नहीं ना यार। एक मिनट चल कोई नहीं आ रहा पीछे, कोई नहीं यार, जल्दी निकाल लो, कोई खाली हो गया भाई रोड पीछे, कोई नहीं है, इधर रास्ता खुला भी है। हाँ उसने, ओ भाई बकरा पकड़ा हुआ पुलिस वालों ने, थोड़ा और पीछे कर, टेडी कार्ड दे, कोई बात नहीं, निकल जाएंगे भाई। बहुत जगह देखो, जगह बहुत होती है लेकिन हम घबरा जाते हैं यार, यहाँ को जाना। पकड़ ले बेटा, काट दे इसका मुर्गा। राज यार हेडलाइट यूजेस ऑफेंस, बस 9 बजे हेडलाइट कौन चलाता है, क्या बेवकूफ, मैं क्या बोलूँ यार, 9 बजे हेडलाइट को ऑफेंस कर दिया भाई, चालान काट दिया मेरा, बताओ। लो तुम्हारी मुराद पूरी हो गई। कई भाई कमेंट कर रहे थे कि अमेरिकन ट्रक सिमुलेटर की जगह जैसे ETS-2 में भी चलान होता है लाइट का। लो हो गया, खुश हो जाओ मेरे पैसे कट के भाई। वो भाई ये क्या कर दिया, और यार ये सुबह 9 बजे का टाइम हो रहा है, इतनी धुंध, ऐसे मौसम ऐसा क्यों हो रहा है जैसे शाम हो रही है, धूप लगता है, बादल काफ़ी हो रखे हैं तो बारिश आने का पूरा चांस है। चलो भाई ब्रैंक को गाड़ियों को पहुँचाना है जल्दी से और निकालते हैं इसको। और दरअसल मैंने अंदर वाला GPS देखा नहीं था, मेरे को ध्यान है ऊपर वाले का, तो इसलिए मैं ऊपर वाले का देख के चल रहा था, और ऊपर वाला बंद था तो इसलिए भाई मैंने गलत मोड़ ले लिया था। और सारी ज़िंदगी मुझे मंजिल ढूंढती रही। और ये लगा हुआ भाई देखो बार्ली या पता नहीं जौ, क्या बार्ली जौ एक ही होती है भाई, अच्छा तो बार्ली या कुछ लगा हुआ था, तो मुझे लगा गन्ना लगा, लेकिन गन्ना ऐसे पीला नहीं होता। चल भगा यार, स्पीड ख़राब करवा दी कमबख्तों ने, कहाँ गई मेरी स्पीड, अरे इसको लगा है भाई। तो अभी मुझे जाना है इसको लेके समुद्र के किनारे, बंदरगाह पे, पोर्ट पे, डॉक यार्ड पे, तो डॉक यार्ड पे लेके पहुँचते हैं। और यार ये मुझे एक चीज़ नहीं समझ आ रही, ये ट्यूसडे 9:16 ये टाइम आ रहा है, 9:15 ट्यूसडे 9:15, ये क्या लिखा हुआ है यार, लिखा है 564 किलोमीटर और साथ में लिखा है 13 आवर 21 मिनट, यानी कि एक बज के 20 मिनट हो चुके हैं दोपहर के, फिर ये 9:14 ये क्या आ रहा है, ये दो टाइम क्यों आने लगे भाई इसके अंदर, ये गलत हो गया क्या मोड, मुझे लगता है मोड सही तरह काम नहीं कर रहा। अब ये सुबह का टाइम है क्या दोपहर का टाइम है, दोपहर का टाइम नहीं हो सकता भाई। एक मिनट सूरज कहाँ है भाई, सूरज तो नीचे है, तो 9 बजे का टाइम है, अच्छा 13 घंटे में मैं पहुंचूंगा लेके, यार ये चक्कर था। ओह हटो अबे हट ही न रहे भाई, ओ भाई ये तो गलत मोड़ ले लिया, ओ भाई बीच में झंडा सा लगा था, 2% डैमेज हो गई यार, आज सही ड्राइविंग नहीं हो रही, मज़ा नहीं आ रहा। तो काफ़ी दिन हो गया यार खेली नहीं है, तो मैं ऊपर से कन्फ्यूज़ हो गया कि दो जगह टाइम कैसे आ रहा, वो टाइम नहीं है, वो मेरा पहुँचने का टाइम है कि मैं इतने घंटे में पहुँचूँगा,
अच्छा ये था सिस्टम, हटो भाई हटो। तो लाइट को जला रखी सबने, मुझे समझ नहीं आ रहा लाइट की जरूरत क्या। ओ भाई ये क्या, अच्छा उधर से मुड़ना था, चलो कोई बात भाई। जीपीएस में नज़र कमी रहती है मेरी, क्योंकि हमें जीपीएस की आदत नहीं है, हम तो ऐसे चलते हैं, हमें पता होता है दिल्ली से पंजाब जाना है तो भाई एक रोड ऐसी था उस पर डाल दो और पहुंच गए तो हमें जीपीएस की आदत कमी है, क्योंकि हमारी गाड़ी में जीपीएस कहाँ होते हैं भाई। स्कूटर पे बंदा जा रहा है जीपीएस लगा जीपीएस थोड़ी होता है ना, गाड़ी में होता है। हाथ दिया और मुड़ गए भाई इधर को, और पीछे से पता लगा कोई आ गया, उसने हाथ नहीं देखा, कह रहा भाई मुझे तेरा हाथ नज़र नहीं आया। अब भाई तो मुंडी नज़र आई थी, कुछ तो नज़र आया होगा भाई, फोड़ क्यों दिया मेरे को, चल 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 निकाल निकाल निकाल। तो अब इसमें ऐसे होने लगा भाई, लो ये देखो, अब अभी रेड लाइट तो थी नहीं, हाँ अब हुई रेड लाइट, देखो अब तो मैं चलो रोकता हूँ भाई। बहुत लूटने लगे हैं सच में, FS22 के अंदर भी लूटने लगे हैं, सब गेमों के अंदर अब भाई लूटने लगे हैं। इनको लग रहा है कि हम बहुत करोड़पति हो गए इतने सालों से काम कर करके, अब इनको लूटो भाई, एक सरकार सही ना आई हो, सरकार चेंज करो भाई तो डैमेज हो चुकी है अपनी 2%, शुक्र है मेरी गाड़ियों को नहीं हुई, मेरी सिर्फ ट्रक को हुई। तो अब इसमें नया सिस्टम आया है, पहले हरी बत्ती चमकती नहीं थी, अब इसमें हरी बत्ती ब्लिंक होती है थोड़ी देर। मुझे ये समझ नहीं आ रही ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। अब ये टाइम कम कैसे होता जा रहा है यार, वो एक मिनट यार, अच्छा मंडे, अच्छा अच्छा बोलो भाई, मैं तो सुबह शुरू से गलत पढ़ रहा हूँ। तो मंडे का आज मंडे है भाई, मंगलवार नहीं है, आज आज है मंडे और टाइम हो रहा है भाई रात के 8:19, तो लाइटें नहीं जगा, तो चलान तो हो गई एक मिनट जगा भाई, जगा लाइटें जगा। ओ भाई मैं सच में पूरा सब कुछ भूल गया इस गेम को कैसे खेल, मतलब चलान ट्रक चलाना तो नहीं भूला, लेकिन ऊपर जो आ रही है उसको पढ़ना भूल गया, मतलब उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन थी मेरे को ध्यान नहीं था। तो आज भाई मंडे, हम पहुंचेंगे ट्यूसडे को सुबह 9 बजे, अच्छा तो ये टाइम आ रहा है, अच्छा तो एस्टिमेट आ रहा है कि मैं भाई कितने सुबह मंगलवार को मैं 9 बजे पहुंचूंगा, और अभी है सोमवार। ओ ये चक्कर था भाई, और जगह देखो यार कितनी प्यारी है यार, देखो बहुत ही प्यारी, इंडिकेटर लगा दो यार। चल भाई चलो निकलो 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 निकलो, चल गाड़ी वाले निकल, अब मेरे आगे आगे बताइए मरने के लिए। चलान कटवा दिए भाई बहुत सारे, कोई दिक्कत नहीं है यार, जब रोड पे गाड़ी चलेगी तो भाई ठुकेगी भी, चलान भी होंगे, सब कुछ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रेलगाड़ी है क्या, ओ भाई निकाल लो जल्दी से, ये रेलगाड़ी की पटरी है क्या, हाँ भाई ये तो मैं जा रहा हूँ, इस टाइम फुल इंडस्ट्रियल एरिया है ये, मुझे लगता है डॉक यार्ड पास ही है, और ये ट्रक वाले, ओ भाई ये क्या आ गया साइड में इधर, मैं भी सोचूं ट्रक वाला कर क्या रहा है। अब भाई ITCC निकल ले बेटा, अभी बताता हूँ तेरे को आके, वहीं पे खड़ा रही हो बेटा, जानता नहीं तुम मेरा बाप कौन है, तो जहाँ पर भी लड़ाई हो जाती है तब यही बोलते हैं जानता नहीं मैं कौन हूँ, अबे जानता हूँ भाई तू कौन है, तू भी इंडियन है मैं भी इंडियन हूँ, लेकिन हम अब इंडियन नहीं है भाई, हम बाहर की कंट्री में आ चुके हैं, हम फॉरनर बन चुके हैं। यहाँ से मुड़ना था, इंडिकेटर लगाते हैं, हम जाना है रीगा, तो हमें जाना भी रीगा, रीगा पहुँच के देखते हैं क्या होने वाला। चल भाई बंद हो जा, बहुत कुछ कुछ करता है तू। अब इन्होंने इंडिकेटर ज़्यादा ही तेज़ कर दिया है, इनकी आवाज़ ज़्यादा ही कुछ होने लगी। सीधा जाना है, सीधा जाना है, चल चल चल, इंडिकेटर लगाते हैं भाई यहाँ से मुड़ना। तो मुझे लगता है मैं डॉग यार्ड के पास पहुँच गया, क्योंकि खुली सी जगह आ गई है। अरे कहाँ है कट, ये रहा ये रहा ये रहा। ये भाई बस निकली है गाँव में से, देखो 5-5 रुपये सवारी लेके वो जा रही, तो गाँव में चलती हैं बसें छोटी छोटी, 10 रुपये सवारी 5 रुपये सवारी। आज अभी बह जाओ, आज अभी आ जाओ, कहड़े पिंड जाना भाई, नानवाल, सुजवाल, भमरा, महमूदपुर, मकसूदपुर, और कितने कितने जाना है, बह जाओ सारे। और हरियाणा में जाना है तो भाई फिर बह जाओ बहरोड, नारनौल, मुझे अब कई गांव के नाम याद हैं तो रोहतक, तो सवारियाँ ये छोटी छोटी चलती रहती हैं ट्रेन। अच्छा भाई तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, रात के 10:38 हो रहे हैं ठीक है, और ये सूरज कैसे निकला हुआ है भाई, कई देशों में सूरज 10 बजे डूबता है क्या रात को, समझ नहीं आ रही, देखो तो इसलिए तो मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा कि सुबह का टाइम हो रहा है, लेकिन मैंने कहा सुबह का टाइम हो रहा है तो धूप बढ़ क्यों नहीं रही, धूप बढ़ने की बजाय कम होती जा रही है, तो ये भी दिक्कत है भाई, अंधेरा बहुत हो गया, लाइट मारो यार, ओ लाइट जल तो रही है।
अबे लाइट भाई, इन्होंने लाइट बहुत बकवास कर दी यार। पहले बहुत अच्छी लाइट होती थी जो पुरानी गेम थी ETS 2। तू मान ले, मार ले लाइट, मार ले, फोड़ दे मेरी आंखें। उसके अंदर लाइट बहुत अच्छी थी यार, इसके अंदर लाइट बहुत कम है। तो अब अंधेरा हो चुका भाई, इससे पहले कि रात हो जाए मुझे कुछ नज़र ना आए, मैं घुसा दूँ किसी के घर के अंदर और फटाफट पहुँच जाएँ। लो भाई लंबर में ला गई थी पीछे एक, तो हमें भाई लंबर नहीं लेनी, लंबर बाद में लेंगे। ट्रक यार डाफ का भी अच्छा है, DAF, इसका फुल फॉर्म पता नहीं क्या है, डफर पता नहीं डैफ क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म नहीं पता। और ये देखो गायें, ओए होए 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 भाई, कितनी प्यारी प्यारी गायें खड़ी हैं भाई। रात के 10 बज रहे हैं, इनको घर ले जाओ, शेर शुर आके तो खा जाएगा। 9 बज गए, लो रात के 9 बज गए हैं, और देखो गायें बेचारी अभी चर रही हैं। ऐसा कौन से किसी गांव में देखा रात को 9 बजे गायें चरती हैं? ये यूरोप है भाई, यहाँ पे चरती हैं, तभी तो तू ज़्यादा देती हैं। हमारी गायें तो भाई 6 बजे AC वाले रूम में गर्मी में, और भाई सर्दी वाले में कंबल के अंदर घुस जाती हैं। देखूँ भाई पीछे, ओके और दूर चला गया। चलो यार इसको निकालते हैं जल्दी से, 2% डैमेज के साथ ले चलते हैं इसको जल्दी, देखते हैं कितनी पेनल्टी लगने वाली है आज भाई, कुछ तो लगेगी। तो जा रहे 117 की स्पीड पे, अब यहाँ से भाई GPS पे नज़र रखूँगा भाई अब फुल, तो यहाँ से मुड़ना है भाई, इंडिकेटर लगा दूँगा पहले ताकि दुश्मनों को पता लग जाए कि मैं मुड़ने वाला हूँ। रोको 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 भाई, ब्रेक इतनी तेज़ कैसे हो गई यार, पता नहीं क्या चक्कर, सेटिंग चेंज हो गई क्या? निकाल ले बेटा, कोई नहीं यार, एक ट्रक सा आ रही है, जाने देंगे इसको, जा भाई जा, निकल जा। ओ एरिया का ट्रक जा रहा है भाई, कंपनी के ट्रक चलते रहते हैं भाई। अब 9:20 हो रहे हैं रात के, और सूरज देखो अभी भाई ऐसा लग रहा है जैसे कि दिल्ली में, हिंदुस्तान के अंदर जब सूरज डूबता है इस टाइम पे, मतलब 7-7:30 हो रहे हैं गर्मियों के अंदर, और सर्दियों के अंदर तो पता ही नहीं लगता कि 5 बजे के 5:30 बजे डूब जाता है। और यहाँ पर भाई 9:30 हो रहे हैं और अभी तक धूप मेरे को आ रही है। देखो बाप भाई भाई, इस कंट्री में चलते हैं यार, इसमें तो फिर दिन बहुत ज़्यादा लंबा होगा। ये कौन सी कंट्री है यार, पता करो भाई, बहुत अच्छी जगह लग रही मेरे को। चलो फिर ओके, पहुँचते हैं हम भी। कहाँ आ गया यार मैं, पता नहीं कहाँ। और ये स्पीड ब्रेकर आ गया क्या? नहीं ओह भाई, ओए गाड़ी वाले रुक जा, मुँह उठा के कहाँ चला आ रहा है, नजर नहीं आ रहा था, इतना लंबा ट्रक जा रहा है, और मार देंगे भाई। गाड़ी लोगों ने घर के बाहर, अबे सड़क पे क्यों खड़ी कर रखी है? मुड़ना है भाई, इधर से आगे। तो ये गाड़ियाँ सड़क पे ही खड़ी कर रखी, मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, घर के अंदर जगह नहीं है क्या भाई? ऐसी पार्किंग अलाउड नहीं है। क्रेन लेके आओ भाई इनको। ओ भाई ब्रेक, भक्तों ने लाल बत्ती लगा रखी है यहाँ पर जानबूझ के। काट दे। अबे कहाँ चढ़ा दी पटरी पे भाई, नीचे उतार, ऊपर चढ़ गई थी भाई थोड़ी। तो क्रेन लेके आओ, इनको उठा के ले जाओ भाई, सारी गाड़ियों को, कितने पैसे बनेंगे। चल 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 चल, बत्ती अपनी हो गई भाई, अपनी लाल बत्ती हो रही है। ओए भाई, इंडिकेटर देके मुड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू यहाँ का लैंडलॉर्ड हो गया भाई। एक मिनट GPS देख लूँ, सीधा ही जाना। ओ भाई बस ब्रेक लगा। रोको भाई, चलान कट जाएगा, पहले बहुत सारे कट चुके हैं। तो कितने चलान कट गए आज भाई? 2-3 तो कट ही गए। चलो यार अब कटने हैं तो कटने ही है। ये पेड़ भाई अलग सा कैसे चमक रहा है, ये नए नए पत्ते आ रहे हैं, ऊपर से काला हो रहा है, नीचे से ये हरा हरा हो रहा है। और शाम हो गई है, रात हो गई है, देखो तो सूरज देखो, वो पीछे सूरज अभी है, मुझे लगता है 11 बजे डूबेगा रात को। तो बत्ती होगी भाई अपनी, निकाल दे बेटा, निकाल दे जल्दी से, हट जा भाई। बहुत अच्छी जगह, सफाई देखो कितनी यार मेरी, भाई मेरी आंखें ऐसी चुंधिया रही हैं इनको देख के, जगह पे क्या बढ़िया मार्केट आई है। मार्केट तो आई है भाई, यहाँ से मुड़ना है। इंडिकेटर सच में यार बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, रुच कर रहा है। चल। अबे कर दो, खाली पड़ा है, कोई है तो है नहीं यहाँ पे यार, देखता हूँ यहाँ से। हो गई, ये पीले निशान लगा रखे हैं यहाँ पर, इंडियन को जाना मना है, क्योंकि जो ये पीले क्रॉस होते हैं इसके अंदर इंडियन नहीं जा सकते, बाकी कंट्री के सब लोग जा सकते हैं, हिंदुस्तानियों को जाना मना है वहाँ पे। तो इन्होंने बैनर लगा रखे हैं कि उनको पता है कि हिंदुस्तान के ड्राइवर आ रहे हैं, भाई इनको बंद करो, ये अंदर कॉलोनी में नहीं आ सकते, कॉलोनी में जाएंगे तो छेड़खानी करेंगे। ओ भाई, इतनी नफरत
पता नहीं क्यों करते हैं लोग। चलो ठीक है, करने दो, जो करता है करने दो, जो सड़ता है सड़ने दो, हम तो चले अपने गांव। लो भाई डॉग यार्ड पहुंच चुका हूं मैं, खुशी की बात यह है। और मुझे इधर को मुड़ना था, काट देंगे भाई इधर से बढ़िया सा। अब लाइट नज़र आने लगी, ट्रक की लाइट भाई, अब देखो अब नज़र आई कुछ। उन वक्तों ने इतनी कम लाइट कर दी है समझ नहीं आता। तो हमें जाना भाई इसके अंदर, यू हैव डिस्कवर्ड ए न्यू व्यू पॉइंट। अच्छा भाई ओके, आके देखूंगा, अभी तो टाइम नहीं है। ओ भाई तुम्हारे व्यू पॉइंट के चक्कर में डैमेज करवा दिया 1%। अब इन्होंने ट्रेलर देखो कैसे बना दिए, ये देखो, ये देख रहे हो जंपिंग जपाक। अब इन्होंने नाजुक, अबे रुक जा भाई रुक जा भाई, कितना नाच कर रहा है ये, इतना हैवी ट्रेलर, ट्रेलर ट्रेलर नहीं ट्रेलर। तो डैमेज हो गई भाई 1% हो, कोई बात नहीं। तो भाई अंदर देखो लकड़ी कितनी सारी पड़ी है भाई, इतनी है लकड़ी मेरे को छोड़नी पड़े स्नो रनर के अंदर या मड रनर के अंदर। भाई मैं तो पागल ही हो जाऊँ, बावड़ा सा हो जाऊँ मैं तो सच में। ओए कहाँ लेके जाना है इसको, सीधी ले जाओ स्टार बाजी। ओके उसको मेरा नाम पता भाई, मैं यहाँ पर आता रहता हूँ ना। और अंदर जाना है, और अंदर जाना है, कहाँ जाना भाई कहाँ जाना। ओ भाई इसके अंदर जाना था, ओके ओके, उसके अंदर एक निशान आ रहा है भाई, उस निशान पर लगाना था। इन्होंने भाई चेंज कर दिए काफ़ी है ना, पहले कैसे होता था अब कैसे हो गया भाई। इन्होंने डबल कर दिया इस बार, देखो ऊपर गाड़ियाँ भी है, नीचे ट्रक ऊपर गाड़ियाँ हैं देखो भाई। ताकि समुद्र में अगर बाढ़ आ जाए तो सबसे पहले ट्रक डूबेंगे, गाड़ियों वाले बाद में डूबेंगे। देखो करते हैं ना पार्शियलिटी पार्शियलिटी पार्शियलिटी, तो ये होता है देखो। लो भाई एक मारा था निशान और पहुँच गए एक सेकेंड में। तो ये आ गई भी अपनी फेरी, अब चलते हैं फेरी से बाहर। और ये देखो बहुत ही बढ़िया जगह, एक मिनट किधर को जाना है, किधर को जाना भाई, निकाल 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 इसको भाई। बहुत डैमेज हो चुकी है, बहुत डैमेज हो चुकी है, 3% डैमेज कर दी। चलो कोई दिक्कत, 3% तक चलती है भाई, 100 में से 10% डैमेज हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 20-25 नहीं होनी चाहिए। वैसे 25 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, वैसे 50 नहीं होनी चाहिए, वैसे 50 भी हो जाए लेकिन 100% डैमेज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका ट्रक फिर काम नहीं करेगा। तो ये दिक्कत होती है, यहाँ से निकालना था इसको। अब इधर को जाना भाई, इधर को जाना भाई, लेफ्ट लेफ्ट को नहीं राइट को यार, चल 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 चल, और चल लो, ओ रुको 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 रुको, अबे रुको, फिर कहोगे मार दी सरदार जी ने, रुक जा ओए भाई। ये मैं तो फिर यहाँ पे खड़ा रहूँगा रात तक, घर कब जाऊँगा मैं हैं, ये तो आती रहेंगी गाड़ियाँ भाई। उसके अंदर से आया हूँ मैं, देखो कितनी बढ़िया यार वो, सच में यार कितने ट्रक लेके आई है वो देखो। रीस लोग ऊपर, गरीब लोग नीचे, ताकि जल्दी डूबे हम और भाई वो बच जाएं ऊपर। देखो ऐसे होता है काम। और मैं कितनी दूर हूँ भाई, कितने किलोमीटर रह गया अभी, 155 किलोमीटर और बचा भाई। ओ हो, मुझे लगा था कि फेरी से उतरते ही सामने होगा और कहेंगे सरदार जी ले आओ हमारा माल और जाओ आप, लेकिन भाई अभी भी 150 किलोमीटर और जाना, यानी कि दिल्ली से करनाल। चलो चलते हैं फिर, और तेल भरवाने की ज़रूरत तो नहीं है, नहीं भाई तेल अपनी गाड़ी में फुल भरा हुआ, ये दरअसल ट्रक उनका है ना एम्प्लॉयर का, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। और अब आगे अभी गाँव, गाँव के अंदर तो लाल बत्ती नहीं होती ना, पुलिस वाले होते हैं, तो भाई यहाँ पे हम भगाने वाले हैं फुल स्पीड पे। और ये पहाड़ी से आगे बड़ी शानदार दोनों तक काट के भाई रास्ता बना रखा है इतना बढ़िया, तो अब लेंगे एक छोटा सा नज़ारा। लेकिन रोड सीधा नहीं आ रहा, तो रोड है अभी जलेबी, जलेबी रोड पर चलाएँगे तो नज़ारे अपने फिर तो डैमेज भाई 100% हो जाएगी। अभी देखता हूँ कुछ सीधा सा रोड आए भाई, फिर जलेबी आ गई, फिर मुड़ना, ओहो ब्रेक मार ब्रेक मार ब्रेक मार, हल्लू हल्लू धीरे धीरे से मोड़ 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 मोड़। तो 90 की स्पीड पे तो गाड़ी कट जाती है ये आराम से, लेकिन भाई 90 से ऊपर हो तो फिर पलट जाता ट्रक, ट्रक पलट गया तो फिर आपको पता ही है ट्रक पलटने की सज़ा बहुत तगड़ी मिलती है। लो भाई आग बुझाने का ट्रक जा रहा, कहीं पर आग लगी थी, तो वो जो तेल का टैंक जा रहा था ना उसने कहीं पर जाके आग के ऊपर तेल छिड़क दिया था, ये मुझे लगता वहीं जा रहा। अब क्या हो गया भाई, तुम जान ले लो ड्राइवर की, छोड़ भाई सच में दिमाग खराब कर रखा है, बोर्ड लगाने पड़ेंगे अगली बार। नो डैमेज नो पुलिस, मुझे ये समझ नहीं आती ये ब्रेक लगाती ये ऐसे हिलने को लग जाता है इतने जबरदस्त तरीके से। आ तो रही ट्रक आ रहा भाई पीले रंग का, ये इन्होंने ज्यादा ही वो कर दिया ट्रक के स्प्रिंग को, ज्यादा ही नरम कर दिया भाई, पता नहीं ये ज्यादा ही कूदने लगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये कूद नहीं रहा, पीछे से कोई ठोक रहा है इसको देखना पड़ता है पीछे कि भाई कोई ट्रक टक्कर तो नहीं मार रहा, कोई गाड़ी वाला तो नीचे घुसने की कोशिश नहीं कर रहा। और अब इधर को जाना है, काटते हैं इसको जल्दी से, हिलता बहुत है भाई ये,
फिजिक्स, ये फिर सच में यार कुछ दिक्कत है इस ट्रेलर में, कोई दिक्कत है। चल चल काट भाई काट मेरे को, तो बस वाले आराम से भाई ठोक मत दियो, पहले ठोका हुआ काफ़ी, तो और ठोक दे जिंदगी बर्बाद कर दे। तो 135 किलोमीटर रह गया, 135 किलोमीटर है बस पहुंच जाएंगे, 10 मिनट लगेंगे शायद। पीछे कोई नहीं आ रहा, निकाल दो भाई बिना इंडिकेटर के निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। इंडिकेटर तो लोगों के लिए होते हैं यार, मतलब ताकि आपको पता लग जाए कि हम किधर को मुड़ने वाले हैं। अब जब कोई नहीं आ रहा तो मैं इंडिकेटर चलाऊंगा, कोई है तो है नहीं है, क्या फ़ायदा होगा, मेरी बैटरी ख़राब होगी तो क्या ज़रूरत है। तो ये निकलते हैं यहाँ से, ये एयरपोर्ट आ गए शायद, नहीं नहीं कुछ वैसे ही है, इंडस्ट्रियल एरिया सा है। एक मिनट भाई देखूँ किधर जाना है, मुझे सीधा ही जाना है। ओके चलो सीधा करते हैं इसको, क्योंकि मैं ऐसे देखने के चक्कर में, मैं भाई दिखाने के चक्कर में और फिर काम ख़राब हो जाता। बहुत ही अच्छी जगह थी यार, चलो चलेंगे अगली बार उधर। चल भाई चल चल, नज़ारा तो दे दे एक छोटा सा ये। ओ भाई नज़ारा के चक्कर में टेढ़ा जा रहा है, ये बस वाला मेरे पीछे पीछे आएगा। अबे साइड से निकल जा भाई, मेरे पीछे मत आ, धोखा खा जाएगा। मैं तो मरूंगा मरूंगा, तुझे भी मरवा दूंगा साथ में। पता लगा तेरी सवारियों का टांगे भांगे तोड़ दी, हाथ पैर टूट गए उनके। तो मेरे पीछे मत आओ यार, खतरनाक ड्राइवर के पीछे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। पता लगा वो तो निकल गया और आपको ठकवा दिया। लो भाई स्कैनिंग का आ चुका है, यहाँ पर एक शोरूम, सीधे हाथ पे नज़र नहीं आया, सिर्फ लोगों नज़र आई थी। ओ भाई कितना बड़ा पुल आया यार, कितना विशाल, देखो वहाँ से लेके वहाँ तक। और चल भाई चल, ओ जी एन टी हट रहा नहीं हट रहा भाई, यो ना हटे, ये तो डट के चला है। चलो हम साइड से निकालते हैं, और ये जा रही भाई क्रेन सी, पता नहीं। ओ भाई क्रेन नहीं, ओ जेसीबी लेके जा रहा है भाई, किसका खड्डा खोदना है लगता है भाई, किसी के खेत में कुछ खड्डा करना है या कुछ खोदना है। और ये जा रहे भाई दो ट्रक स्कैनिया के, चलो निकालते हैं यहाँ से भाई ग्रिल के। मुझे ग्रिल के पास गाड़ी चलाने से बड़ा डर लगता है यार, पता लगा ग्रिल पे चढ़ गया भाई और दूसरे रोड पे पहुँच गया, तो जाना था इधर, पहुँच गया पल्ली तरफ। तो ग्रिल खतरनाक लगती है, ग्रिल की जगह वैसे ही प्लेन जगह होनी चाहिए, ताकि भाई ट्रक थोड़ा इधर उधर भी हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो। चल भाई पोकेमोन, तू कहाँ जा रहा, पोक मक, हाँ ये ग्रिल सही है, देखो ये बढ़िया। अब क्या है कि अगर थोड़ा सा इधर भी चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भाई ग्रिल बड़ी ख़तरनाक है भाई। यहाँ पे आएगा नज़ारा बहुत ही शानदार, ये देखो फुल स्पीड पे जा रहा ये। ओ भाई बस 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 बहुत हो गया भाई, स्पीड देखो 126 की है, इंडिकेटर लगाते भाई ये तो हटने वाले नहीं है। इन्होंने कसम खा रखी है कि हम जियेंगे मरेंगे तो इसी लाइन के ऊपर भाई, हम दूसरी लाइन में जाएंगे ही नहीं। मर लो भाई मर लो, तुम यही मर लो यार। ये बत्ती को जला रखी है मैंने, पहले बत्ती ना जलाने का चलाना हो रहा था, अब बत्ती जलाने का चलाना होगा भाई, इस बत्ती ने मेरे को मार दिया। अच्छा मैं कंफ्यूज हो गया था ऊपर टाइम के चक्कर में, इसलिए मैंने बत्ती नहीं जगाई थी। अब निकल, अब हुई सुबह देखो, और देखो लाल गाड़ी वाले का देखो भाई, इसकी बीबी को होने वाला है बच्चा, ये भाग रहा कितना अच्छा। हट जा बेटा हट जा, आगे सरदार पीछे ट्रक लेगी, हट जा बेटा भाई, हट ही ना रहा, हट जा ओए यार, साइड से निकाल लो भाई, हटता ही नहीं। मैं क्या करूँ, मैंने बहुत आवाज़ मारी, हॉर्न भी बजाया, लेकिन भाई हटा ही नहीं। अब तू बंद हो जाए भाई, इंडिकेटर अपने आप बंद होने चाहिए ये। अब भाई स्पीड कुछ 123 की, तो 132 टच कराई थी मैंने और उसके बाद नहीं। और ये भाई यहाँ के कुतुब मीनार फ्रांस की, ये देख लो जिसने नहीं देखी वो साइड में, तो जैसे हिंदुस्तान में है वैसे भाई इन्होंने बाहर भी बना रखी है, नकल करके हमारे को। ओ भाई ये देखो साइड में जहाज भी आए हैं, तो ओ भाई अभी ठुक जाता, और रुक मुड़ना है। एक मिनट रुक, गाड़ी आ रही है। चल भाई बच गया, भाई चलाना हो जाता। ओए जा भाई जा, चला गया। तो भाई मुझे कुतुब मीनार की तरफ ही जाना है। देखते हैं कुतुब मीनार कैसी है भाई, लंबी सी लग रही है काफ़ी, कुतुब मीनार की चिमनी है। ओ भाई गाड़ी कहाँ चला रहे हैं, बाहर से इसमें बाहर से गाड़ी चलती नहीं सही तरह, क्योंकि बहुत स्पीड पे जाना पड़ता है, तो इसमें चलती है अंदर से। यहाँ पर भाई बेल बना रखी है वीट की, देखो ओ उठा के ले जाओ भाई, नहीं तो मैं ले जाऊँगा अभी ट्रेलर लेके आता हूँ। वैसे मैंने ऑटो लोडर ले लिया एक छोटा सा, तो उस पर फटाफट से लोड करके भगा के ले जाऊँगा यार, कुछ पैसे तो आएंगे। ओ भाई ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कुछ चल रहा है, फैक्ट्री भाई वो कुतुब मीनार नहीं है, वो फैक्ट्री है, चिमनी है भाई, वहाँ पे भट्ठा लगा हुआ ईंटों का।
आ जाओ मेरे पीछे पीछे आओ, आओ मेरे पीछे पीछे आओ, सारे मेरे पीछे पीछे। यार इससे नज़ारा सही नहीं है, इसको हटाओ, अब आता नज़ारा सही है। तो लो भाई लिंग पोंग लिंगो पिंग डिस्कवर हो गए, लिंगो लिंको पिंग नाम भी देखो। अबे कुछ और ही रख लेते, स्त्रीलिंग रख लेते या पुल्लिंग रख लेते, नाम भी भाई पुठे पुठे रखते हो। चलो हमें कर लेना, तो निकालते हैं इसको और इसको हटा लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ को जाना है यहाँ को और फिर यहाँ को और भाई फिर यहाँ को, तो यहाँ को और वहाँ को करके निकाल लेते हैं इसको। और ये बना हुआ भाई सेंट्रम, पता नहीं शायद यहाँ पर सेंट्रल पार्क होगा, जैसे होते हैं बड़े बड़े जहाँ पर लड़के लड़के जाकर लेटे रहते हैं दूसरे के ऊपर, मतलब गोद में। तो आजकल नकली वीडियो बहुत आ रहे हैं भाई, ध्यान रखना। वो एक लड़की लड़का बैठे रहते हैं पार्क में, दो लड़के जाकर उनको मारने लग जाते हैं, लड़की को भी मारते हैं, वो नकली, सब वीडियो नकली हैं भाई। वो फेसबुक पे आपने देखे होंगे बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, तो मुझे गिरीश राजपूत ने भेजा था एक वीडियो, मैंने उसको बोला नकली है। वो थप्पड़ मारते हैं, आवाज़ आती है बड़ी तेज पटक पटक, लेकिन आप देखना ध्यान से, थप्पड़ लगता नहीं लड़की को, थप्पड़ उसके मुँह के पास से निकल जाता। तो ये सारे नकली वीडियो चलते हैं भाई आजकल बहुत ही धड़ल्ले से, सिर्फ व्यू पाने के चक्कर में। और मेरा ट्रक देखो, ये लगता है ब्रेंको की गाड़ियाँ अब ज़्यादा उछल रही हैं, ट्रेलर में गड़बड़ नहीं है, ब्रेंको की गाड़ी में गड़बड़। तो वो नकली वीडियो भाई सारे, व्यू पाने के चक्कर में लोगों ने क्या क्या धंधे शुरू कर दिए। चलो ओके, आगे भी आगे लो। यार मुझे समझ नहीं आ रही इंडिकेटर का सिस्टम क्यों खर भाई, ट्रक मुझे दे दिया थका हुआ जिसके इंडिकेटर काम नहीं कर रहे। और सामने भाई वो देखो, ओह भाई वो मस्जिद सी बनी है, क्या बना हुआ देखो, मंदिर सा भाई, वो देखो कितना बढ़िया बन लग रहा है, उसकी मीनार देखो यार कितनी, मतलब आसमानी कलर की। ओह और ये अंबानी का घर कैसे आ गया भाई यहाँ पे, बॉम्बे पहुँच गया क्या मैं, ये अंबानी का घर नहीं है। ओ भाई कौन सी जगह में आ गया, ओ भाई सामने दुबई आ गया मैं तो, क्रेन व्रेन लगी हुई है भाई ज़बरदस्त, और मेट्रो वेट्रो बिछ रही है भाई यहाँ पे, देखो जगह देखो भाई क्या दिल खुश कर देती है जगह, कितनी अच्छी लग रही। तो हम पहुँचने वाले हैं, 1 किलोमीटर जाना है बस हमें, 1 किलोमीटर भाई, इसको ऑन कर लेते हैं, इससे पता लग जाएगा। लो भाई यहाँ पे लेके आना है इन ट्रकों को, तो इनको काम करवाने, इनको लगाना है काम में, तो यहाँ पे इनकी बनेगी बॉडी, फिर इसके साथ इन काम करेंगे भाई। मेट्रो का पुल बन रहा है ज़बरदस्त देखो, ओह माने ने अपने घर में मेट्रो बिछा लिया, तो वो घर से जाएगा मेट्रो में, लेकिन भाई वो मेट्रो में क्यों जाएगा, वो तो करोड़पति बंदा है यार। ये मैप एक मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि किधर को जाना है। अच्छा भाई सीधे रोड के ऊपर ही, क्योंकि वो इतना छोटा सा खिचड़ी बची हुई है ऊपर, खिचड़ी पकी हुई है मतलब मची नहीं हुई है, समझ नहीं आ रही। और ये अभी BHV गाड़ियों का शोरूम, पुरानी गाड़ियाँ सेल और परचेज करने के लिए, ये गाड़ियों के सामने पत्थर को लगा रखे हैं, गाड़ी निकलेगी कहाँ से भाई, ऐसा भयंकर बंदा। तो यहाँ को मुड़ना था भाई, एक मिनट ले आप भैया, ध्यान से काटना भाई इसको, रुक जा भाई रुक जा, शोर मत बचाओ, नीचे आप पीछे बंदे बहुत आ रहे हैं भाई, लो लो डरा देखो। और ये मैं इसको सही तरह नहीं काटूंगा तो ये टकरा जाएगा गेट से। ओए कहाँ लगाना है इसको, एंटर करते हैं, यहाँ लगाते हैं भाई, कोई जगह ही नहीं उतारा भाई, पीछे हो गए। चल बस स्पेस कितने दबा दिया अपने, अभी बटन पता नहीं कैसे दबते रहते हैं यार, हर गेम के अंदर समझ नहीं आती। आ जा भाई आ जा, डैफ तो पीछे लगानी है। ओए कैसे खड़ा है तू नंजे, धूप से करा ज़्यादा मत से, एक तेरी टांड काली हो जाएगी, पीछे लगाना होगा भाई फंसा के, पक्की बात है। ओ भाई यार यहाँ तो कोई जगह नहीं, वो रहा। अच्छा अच्छा तो भाई वहाँ पे कैसे लगेगी ये, अच्छा भाई यहाँ से घुमानी पड़ेगी, एक सेकंड भाई मैं इसको घुमा लूँ। चल चल चल, हम भाई यार तो ट्रक चलते भी नहीं है, काट दे भाई इधर भाई, सीधा करके लाना था, मुझे पता नहीं था कि इधर को लगेगी। अब भाई किधर काट दी, चल 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 और आगे काट, बस ठीक है ठीक है, चल काट दे पूरा ट्रक, काट दे भाई, उधर को लेके जानी है, अब कैसे लेके जाना है बताओ, फंसाने वाले काम देते, बस ठीक है। उधर भाई बैग लेके जानी पड़ेगी, अब यार एक मिनट रुक जाओ, इसको बंद कर दूँ यार दिमाग खराब होता, चल चल काफी चल, अब ठीक
लो भाई काट तो दी मैंने यहाँ से, अब हमें लगानी है उधर को, वहाँ चलते हैं निशान के ऊपर। धीरे धीरे काटनी शुरू करता हूँ अब इसको यहाँ से। चल 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 चल, शाबाश शाबाश, काट दे काट दे काट दे। आगे आगे आगे, चल 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 भाई, लगानी बहुत मुश्किल है इसके अंदर। कर दे कर दे कर दे, ट्रक को बिल्कुल सीधा कर दे कर दे एकदम। बस बस बस, चल होय, बस भाई यहाँ से थोड़ा सीधा कर लो भाई, सीधा करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि अब बिल्कुल सीधा सीधा लेके जाना पड़ेगा। ओके ओके, चल भाई थोड़ा सा इधर को, प्यार से प्यार से प्यार से भाई, दूसरे टेलर में टच जाऊँगी और पैसे कटेंगे। और पैसे काटने में ये बहुत माहिर है भाई, हरी हरा निशान आना चाहिए बस, ये अवेट करूँ। चलो अब करो अब, हाँ लो भाई लगा दिया बढ़िया सा। पर ये आ गए अपने, पहुंच गई गाड़ियाँ, अब देखते हैं भाई कितने कितने पैसे कटे भाई। ठुक गई थी थोड़ी सी, वो एक्सीलेंट जॉब भाई लेगा भाई, 2-4% ठुकने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मेरा कोई पैसा नहीं कटा, क्योंकि इनको पता है कि यार गाड़ी रोड पर चलेगी तो थोड़ी बहुत तो ठुकेगी, 2-4% ठुकती है। अब इसके लिए कोई मोड नहीं लगा रखा मैंने, देखो ये हमने आज ब्रेंको से, नहीं सॉरी, आज मैंने ब्रेंको वैंस डिलीवर करी हैं फ्रॉम कोनास से लिंकोपिंग। लिंकोपिंग भाई नाम अच्छा नहीं है भाई, चेंज करो। तो ठीक है भाई, आज हमने गाड़ियाँ पहुँचा दी है, अब करते हैं इसको अगली बार अपना, फिर कहीं और छोड़ेंगे माल। तो ये था आज का गेम प्ले लिंकोपिंग का तो कैसा लगा भाई बताना कमेंट लाइक करके। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखो, खाओ पियो स्वस्थ रहो, और ये वाला वीडियो देख के अगर मस्त नहीं हुए तो फिर कोई फायदा नहीं जिंदगी का। ओके दोस्तों, बाय बाय।